में आप लोग का स्वागत है और आज दोस्तों मैं आप लोगों को Vivo Z1X का एक फुल कैमरा रिव्यू जो देने वाला हूं। और ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 6 सितंबर को ये इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा, तभी मैं आपको इसकी और भी जानकारी दे दूंगा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन आज स्पेशली हम इसकी सिर्फ कैमरा रिव्यू जो करने वाले हैं। यहां पर आपको पीछे ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है। जो प्राइमरी कैमरा है दोस्तों वो आपको 48 मेगापिक्सल मिलता है, सोनी वाला सेंसर, जी हां, IMX582। 586 और 582 में फर्क है दोस्तों कि इसमें आपको 4K 30 fps पे वीडियो मिलती है, जबकि 586 में आपको 4K 60 fps पे मिलती थी। बाकी सब कुछ आपको यहां पर सेम मिलता है। F1.8 का आपको एपर्चर मिलता है और हां फुल एचडी में आपको यहां पर जो वो EIS भी जो वो देखने को मिलती है, जो काफी अच्छी बात है। AI वाला है और बहुत सारे और भी फीचर्स आपको उसके कैमरे में मिलते हैं। उसके अलावा दोस्तों 8 मेगापिक्सल का आपको सुपर वाइड एंगल कैमरा भी मिलता है, 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ में, जो बहुत ज्यादा है। और हां आपको एक 2 मेगापिक्सल का तीसरा डेप्थ वाला कैमरा भी देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके का ट्रिपल कैमरा सेटअप है। सामने की तरफ दोस्तों आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, F2.0 का अपर्चर है, पोर्ट्रेट ब्यूटी, AR स्टिकर्स वगैरह सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिलता है। अभी दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहां पर इसके डे सैंपल से, जहां पर आप देख सकते हैं आपको जो क्वालिटी मिलती है इसमें वो बहुत ही कमाल की देखने को मिलती है। ऑब्वियसली आपको जो सेंसर मिलता है वो बहुत ही बढ़िया मिलता है। तो यहां पर जो पोर्ट्रेट शॉट्स अगर आप यहां पर देखते हैं वो बहुत ही बढ़िया निकल कर आया है, जहां पर आप देखेंगे जो एच डिटेक्शन है वो भी आपको कमाल का मिलता है, जो बैकग्राउंड का जो बुके है वो भी आपको वैसे काफी बढ़िया देखने को मिलता है। और जो कलर्स वगैरह है दोस्तों वो सब कुछ यहां पर एकदम एक्यूरेट है, इस चीज में आपको यहां पर कोई डाउट यहां पर नहीं आएगा। और साथ में दोस्तों वैसे जो आपको डिटेल मिलता है वो भी वैसे काफी बढ़िया मिलता है, जब आप पिक्चर्स क्लिक करते हो, जब आप जूम करते हैं वहां पर भी आपको जो क्वालिटी मिलती है वो काफी बढ़िया देखने को मिलती है। उसके अलावा दोस्तों यहां पर कुछ वाइड एंगल शॉट्स आपको यहां पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं, जो ये भी बहुत ही कमाल के यहां पर जो निकल कर आया, 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, तो ये भी काफी आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आपको वाइड शॉट्स लेने तो आप उसका भी जो अच्छे तरीके से फायदा उठा सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर मैं बात करता हूं ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स की, तो आप देख सकते हैं काफी बढ़िया आपको यहां पर जो पिक्चर मिलती है। और हां कलर्स देखेंगे वो भी आपको वैसे काफी बढ़िया मिलता है। तो मैंने यहां पर 2 अपने खुद के जो पिक्चर्स निकाला था, जो काफी अच्छे लग रहे हैं, काफी डिसेंट है, जो आपको इस फोन में यहां पर जो वो देखने को मिल जाते हैं। तो उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूं इसके नाइट की, यहां पर दोस्तों मैं बहुत सरप्राइज्ड हो गया था। मैं एक्चुअली में इतना सरप्राइज हुआ था कि मुझे लगा नहीं था कि इतनी अच्छी नाइट पिक्चर्स यहां पर निकल कर आएगी। नाइट में दोस्तों बहुत ही बढ़िया पिक्चर आप यहां पर ले सकते हैं, जहां पर जो कलर्स है, जो डिटेल है, जो लाइट है, वो सब कुछ आपको यहां पर काफी बढ़िया देखने को मिलती है। तो आपको कहीं पर भी पिक्चर में नॉइस नहीं दिखेगा, आपको लगेगा अरे पिक्चर काफी अच्छी निकल कर आई है। तो अगर आपको नाइट में इससे पिक्चर्स लेना है, आपको नाइट मोड में जाना है, एक्टिवेट करो और धमाल से आप अच्छे खासे पिक्चर्स यहां पर निकाल सकते हैं। ये एक चीज वैसे मुझे दोस्तों इस फोन की काफी पसंद आई है, स्पेशली जो कैमरा है उसमें मुझे नाइट वैसे काफी बढ़िया लगा है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूं वीडियो की, तो यहां पर आप देख सकते हैं रियर वीडियो सैंपल है, आपको EIS मिलता है इसमें फुल एचडी पर, तो आप अच्छे खासे स्टेबल वीडियो यहां पर जो निकाल सकते हैं। आपको डिटेलिंग भी यहां पर काफी अच्छी मिल जाती है और हां सब कुछ आपको यहां पर बढ़िया मिलता है। तो अगर आपको यहां पर कुछ अच्छे खासे स्टेबल वीडियोस लेने हैं, अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो वो भी आप यहां पर इस फोन में जो वो निकाल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करता हूं सेल्फी की, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ ज्यादा बोलना पड़ेगा यहां पर। ऑब्वियसली डिटेल एकदम टॉप नॉच है, डिटेल आपको कमाल की मिलती है, बैकग्राउंड बुके भी बढ़िया है, जूम कर लो पिक्चर आपकी नहीं फटेगी, आपके जो बियर्ड्स के जो बाल है, आईब्रोज के, और जो भी आपके फेस में जो पोर्स वगैरह सब कुछ आपको यहां पर दिखता है, ये मामले में आपको यहां पर कोई इश्यू नहीं आएगा। तो एक्चुअली मैं पहले भी Vivo Z1 जो प्रो था उसकी भी सेल्फी मुझे अच्छी लगी थी, तो यहां पर इसकी भी सेल्फी मुझे काफी बढ़िया लगी है। तो ये एक चीज आपको यहां पर काफी बढ़िया देखने को मिलती है। उसके अलावा दोस्तों वीडियो में आप देखेंगे सेल्फी आपको कुछ इस तरीके की मिलती है, काफी अच्छी, काफी डिटेल आपको यहां पर जो वो वीडियो देखने को मिलती है, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे यहां पर इसका वीडियो भी। हां थोड़ा सा आपको यहां पर इतना ज्यादा स्टेबल नहीं मिलता है, लेकिन हां फिर भी जो वीडियो की क्वालिटी निकल कर आई है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है, जो आपको यहां पर काफी बढ़िया देखने को मिलती है। तो ये भी एक चीज आपको यहां पर इसके वीडियो में देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों फाइनली मैं बात करता हूं यहां पर अपने कंक्लूजन की, जहां पर मैंने आपको क्विक कैमरा रिव्यू दिया हो Vivo Z1X का। तो यहां पर जो कैमरा इसका निकल कर आया दोस्तों वो बहुत ही डिसेंट है। अगर आप जब इस फोन को खुद परचेस करेंगे और खुद अगर आप ट्राई करते हैं आपको खुद पता चलेगा, पोर्ट्रेट शॉट्स कमाल के निकलते हैं, कलर्स बहुत ही अच्छा है, डिटेल अच्छा है, बैकग्राउंड बुके अच्छा है, ये सब कुछ मिलता है। स्पेशली जब आप नाइट में पिक्चर्स लेते हैं वो चीज आपको यहां पर काफी बढ़िया देखने को मिलती है, वीडियो भी आपको काफी बढ़िया मिलता है, सेल्फी तो एकदम 32 मेगापिक्सल की, तो वहां पर आपका काम एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का दोस्तों Vivo Z1X में आपको कैमरा मिलता है, जिसकी ज्यादा जानकारी मैं आपको 6 तारीख को ही दूंगा, अनबॉक्सिंग करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको उसके बारे में बताऊंगा, उसके ऊपर फ्यूचर में बहुत वीडियोस बनाऊंगा। आपको कैसा लगा दोस्तों इसका कैमरा, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम आपके लिए फ्यूचर में लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।